तो हम स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले सेल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने होते हैं हमारे पास? दो टाइप होती हैं, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, दूसरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं। यूनिसेलुलर जो होते हैं वो ऐसे सेल्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म्स हैं जो सिंगल सेल पे मुश्तमिल होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, क्लेमिडोमोनास है, अमीबा है, पैरामीशियम वगैरह है। और इसी तरह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक से ज्यादा सेल पे कंसिस्ट होते हैं, जैसे कि इंसान खुद है, जितने जानवर आपको नजर आ रहे होते हैं, ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर में आते हैं। सेल जो होते हैं ये डिफरेंट साइज और शेप के होते हैं, इनका जो फंक्शन है ये सबका डिफरेंट होता है। ये हम डिस्कस करेंगे कि कौन से सेल्स जो हैं वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, साइज क्या है, शेप क्या है। अच्छा, लार्जेस्ट सेल जो होता है जो आप अपनी आंख से देख सकते हैं, वो अंडे की जो जर्दी होती है वो लार्जेस्ट सेल होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट सेल कौन से हैं? नर्व सेल, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, स्किन सेल्स, बोन सेल्स, माइक्रोस्कोप। अच्छा, नर्व सेल ये मैसेज को कंडक्ट करते हैं हमारे बॉडी में। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सिग्नल लेके दिमाग तक आते हैं और फिर दिमाग ऑर्डर करता है उस जिस्म के हिस्से को और वो एक्शन परफॉर्म करता है। वाइट ब्लड सेल ये मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ काम करते हैं। रेड ब्लड सेल जो है ये जिस्म में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं। स्किन सेल जो है ये बॉडी को कवर करते हैं और हमारी जो अंदर की लेयर्स होती हैं उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। बोन सेल्स हड्डियाँ बनाते हैं और हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि ये चीज़ें यहाँ पे आपको जस्ट एक टच दिया गया है, बाकी इनकी जो डिटेल्स आएगी वो 9th और 10th में डिटेल्स आएगी इसकी। यानी जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे करेंगे इन सब की जो डिटेल्स हैं वो 9th 10th में होगी और मोर डिटेल जो है वो आगे फिर इंटर में। माइक्रोस्कोप सभी को पता है कैसे इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि स्मॉल थिंग्स को देखने के लिए यूज होता है, जो कि हमारी नेकड आई से हम नहीं देख पाते। दो लेंसेज के अंदर लगे होते हैं, एक को हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं और एक को आई पीस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस वो लेंस होता है जिसके करीब आपने वो चीज़ रखी होती है जिसको आपने ऑब्जर्व करना होता है, और आई पीस वो लेंस होता है जो आपकी आंख के करीब लगा होता है, यानी जहाँ पे आपने अपनी आंख रखी होती है उस चीज़ को देखने के लिए, वो आई पीस होता है। होते दोनों ही लेंस हैं और ज़्यादातर ये जो दोनों लेंस होते हैं ये कन्वेक्स लेंस लगे होते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट के करीब होता है जिसको आपने ऑब्जर्व करना होता है उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और जो आपकी आंख के करीब लेंस होता है उसे हम आई पीस कहते हैं। पार्ट ऑफ सेल्स, सेल के जो पार्ट्स हैं उनको अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले सेल वॉल आती है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल। ये याद रखें, जो सेल वॉल है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। ये कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो प्लांट सेल के अंदर तो मौजूद होते हैं लेकिन एनिमल सेल के अंदर नहीं होते। सिमिलरली कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स भी हैं जो एनिमल सेल के अंदर मौजूद होते हैं लेकिन प्लांट सेल में नहीं होते। सेल मेम्ब्रेन जो है ये उसी सेल वॉल के अंदर एक और कवरिंग होती है जो कि एनिमल सेल के अंदर होती है। एनिमल सेल के अंदर चूंकि सेल वॉल नहीं होता वो डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट ये भी सिर्फ पौधों में पाया जाता है, पार्ट ऑफ प्लांट सेल दैट कंटेन क्लोरोफिल। ये ऐसा हिस्सा होता है सेल के अंदर जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल जो है ये एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है। सेंट्रियोल्स ये एनिमल सेल डिवीजन में पाए जाते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं। सेंट्रियोल ये ऑर्गेनल आपने याद रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। साइटोप्लाज्म जेली लाइक मटेरियल होता है जिसके अंदर जो कि एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, और ये एक ऐसा जेली टाइप मटेरियल है जिसके अंदर ये सारे जो ऑर्गेनल्स हैं जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, बल्कि ये न्यूक्लियस है या सेंट्रियोल्स हैं या माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारी चीज़ें जो है इसी के अंदर आप कह सकते हैं कि डिप हुए भी होते हैं। न्यूक्लियस ये एक मेन पार्ट है किसी भी सेल का, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल दैट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका कि सेल का जो पावर हाउस है यानी कि जो पूरे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कौन सा ऑर्गेनल है, वो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये सारे ऑर्गेनल्स हैं ये जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, ये सारे सारे सेल के ऑर्गेनल्स हैं। अब चूंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो फिजिक्स से हैं तो ये चीज़ें थोड़ी मैं इसलिए डिटेल बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह ये चीज़ें मेमोराइज हो जाए। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पावर हाउस होता है किसी भी सेल का और पूरे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनिमल और प्लांट सेल के कुछ कॉमन पार्ट्स, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वो ऑर्गेनल्स हैं जो दोनों के लिए कॉमन है। इसके बाद टिश्यूज, ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म सेम फंक्शन। अब अच्छा एक ये तरतीब देखें, ऑर्गेनल्स अगर हम बात करें तो सबसे छोटे लेवल पे चीज़ है ऑर्गेनल। तो ऑर्गेनल जब इकट्ठे होते हैं तो सेल बनता है, और सेल जब इकट्ठे होते हैं तो टिश्यूज बनता है।
टिश्यूज, जब डिफरेंट टिश्यूज इकट्ठे होते हैं तो फिर हमारे पास आर्गन बनता है, आर्गन जब इकट्ठे हो जाते हैं तो आर्गन सिस्टम बन जाता है, आर्गन सिस्टम जब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर हमारे पास एक पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। तो ये एक ट्री थी जो कि मैंने आपसे डिस्कस कर दी है। बाकी ये चीज़ें अब आ गया कि जैसे कि सेल के बाद अब टिश्यू आ गया, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। इसके बाद इंपॉर्टेंट प्लांट टिश्यूज हैं, ये जाइलम और फ्लोएम टिश्यू, इन दोनों को कंबाइंड वेस्कुलर बंडल भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यूज हैं सेल के, प्लांट सेल के अंदर, सॉरी प्लांट के अंदर, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू, ये दोनों, इन दोनों को कंबाइन हम कहते हैं वेस्कुलर बंडल्स। जाइलम जो टिश्यूज है इनका काम होता है ये वाटर एंड डिजॉल्व सॉल्ट को कंडक्ट करते हैं रूट से लीव्स तक, और फ्लोएम टिश्यू जो है ये प्रिपेयर्ड फूड को पत्तों से और दूसरे सब तक पहुंचाते हैं, पत्तों से लेके बाकी दूसरे सब तक ये खुराक को ट्रांसफर करते हैं। नोट्स लिखा है जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू आर कलेक्टिवली कॉल्ड वेस्कुलर बंडल्स। एपिडर्मल टिश्यू प्रेजेंट इन द रूट्स स्टेम एंड लीव्स ऑफ द प्लांट। मेसोफिल टिश्यू प्रेजेंट इन लीव दैट मेक फूड फॉर द प्लांट। ये मेसोफिल टिश्यू का स्पेशल आपने याद रखना है कि ये खुराक जो प्रिपेयर करते हैं पौधे उनके पत्तों में ये पाया जाता है। एनिमल टिश्यू की बात करें तो मसल टिश्यूज हैं, बोन टिश्यूज हैं, ब्लड टिश्यूज हैं, और भी काफी टिश्यूज हैं, लेकिन चूंकि 6 लेवल की है तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही बताया गया, बाकी डिटेल जो है वो नेक्स्ट। अच्छा, ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो प्रेजेंट इन बोन्स। बोन्स के अंदर जो बोन मैरो होती है उनके अंदर ब्लड सेल बनते हैं। ये याद रखेंगे जो हमारा ब्लड तैयार होता है वो हड्डियों के अंदर तैयार होता है, बोन मैरो में। फैट प्रोटेक्ट अस हार्ट एंड किडनी फ्रॉम इंजरीज। फैट इज नॉट अ टिश्यू। जो चर्बी है, फैट है, इसका काम क्या होता है, हमारे दिल को और किडनी को इंजरी से बचाती है। जहाँ कहीं पे भी सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं तो उसके अराउंड फैट टिश्यूज पाए जाते हैं, सॉरी फैट पाया जाता है, ताकि उनको, उन सेंसिटिव ऑर्गन्स को सिक्योर रखा जाए। तो ये भी याद रखना कि फैट इज नॉट अ टिश्यू, फैट टिश्यू नहीं है। ऑर्गन्स क्या है, अब वही चीज जो मैंने पहले बताई थी कि सेल के बाद उनको कंबाइन करें तो टिश्यू बनते हैं, अब टिश्यूज कंबाइन होंगे तो ऑर्गन बनेगा। ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। प्लांट ऑर्गन्स की बात करें तो लीव है, फ्लावर्स हैं, रूट्स हैं, ये सारे के सारे इसके ऑर्गन्स हैं प्लांट के। एनिमल ऑर्गन्स की बात करें तो हमारा हार्ट आ जाता है, लंग्स आ जाते हैं, लीवर आ जाता है, किडनी आ जाती है, ब्रेन आ जाता है, ये सारी चीजें जो है ना ये एनिमल ऑर्गन्स में आते हैं। यानी एक एक चीज जो है मुकम्मल, जिस तरह हार्ट एक पूरा एक मुकम्मल यूनिट है, किडनी की बात करें तो वो एक मुकम्मल यूनिट है, तो वो एक ऑर्गन है। इस तरह फेफड़े जो है वो एक ऑर्गन है। हार्ट पंप द ब्लड, लंग्स हेल्प इन रेस्पिरेशन, लिवर हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ये इन तीनों का काम है, ब्लड को हार्ट पंप करता है, रेस्पिरेशन में लंग्स रोल प्ले करते हैं, और जो जिगर है ये डाइजेशन ऑफ फूड। ऑर्गन सिस्टम, जब ऑर्गन इकट्ठे होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट। अब प्लांट की बात करें तो उनमें ऑर्गन सिस्टम कौन सा है, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम। रूट सिस्टम जो है ये अंडरग्राउंड होता है, यानी जमीन के अंदर जो एक पूरा जड़ों का निजाम होता है वो सारा रूट सिस्टम है, और जमीन के बाहर जो कुछ है जिसमें स्टेम आ जाता है, तना आ जाता है, टहनियां आ जाती हैं, पत्ते आ जाते हैं और फूल या फ्रूट, ये सारा का सारा शूट सिस्टम में आता है। ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स, एनिमल्स में अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, खुराक के हजम होने का जो निजाम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने वाला जो निजाम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, खून जो हमारे पूरे जिस्म में सर्कुलेट करता है ये वो वाला निजाम है, नर्वस सिस्टम हमारे दिमाग का, और जो न्यूरॉन्स वगैरह हैं ये सारे जो हम काम कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, किसी चीज़ को पकड़ रहे होते हैं, ये सारे के सारे नर्वस सिस्टम रोल प्ले कर होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक जनरेशन से जो आगे दूसरी जनरेशन वजूद में आती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। एक्सक्रिएटरी सिस्टम, जो फालतू हमारे हमारे फसल मादा जात होते हैं जो जिस्म से खारिज होते हैं यूरिन की शक्ल में या पसीने की शक्ल में या दूसरे और जो निज़ाम हमारे एक्सक्रिएटरी सिस्टम में आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन शामिल होते हैं, फूड पाइप है, स्टॉमिक है, इंटेस्टाइन है, लीवर है, ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज है, विंड पाइप है जिसे ट्रैकिया कहते हैं, इसके बाद लंग्स हैं, ये सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट आ जाता है, ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, खून की नालियाँ, यानी एक हार्ट दिल और खून की नालियाँ जो कि पूरे जिसम के अंदर फैली हुई हैं और ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करती हैं। नर्वस सिस्टम, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, नेवर लिखा हुआ है। नर्वस सिस्टम जो है ये दिमाग पे मुश्तमिल है, स्पाइनल कॉर्ड, ये जो रीढ़ की हड्डी हम जिसे कहते हैं, एंड नर्व्स, और छोटी छोटी ये कह सकते हैं सिग्नल लेके जाने वाली नालियां हैं। इट कैरीज मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ बॉडी टू अदर। ये नर्वस सिस्टम का यही काम है, ये एक जगह से दूसरी जगह तक जो हमारे मैसेज होते हैं वो ट्रांसफर करते हैं। हम जो भी काम कर रहे हैं हमारा दिमाग जो है उसका मैसेज देता है, और फिर जो मुतलका ऑर्गन होता है वो वाला वो मैसेज पे एक्ट करते हुए उसको परफॉर्म करता है। कोई चीज़ आपने पकड़नी है तो दिमाग ने मैसेज देना है कि अपने हाथ खोलें और उस चीज़ को पकड़ लें, तो वो जो हमारा हाथ है वो इसका मैसेज को फौरी तौर पे उस पर एक्ट करता है और कोई भी जो चीज़ है उसको पकड़ लेते हैं। सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं,
आईज हैं, ईयर्स हैं, स्किन है, नोज है एंड टंग, यानी ये पांच हमारे सेंस ऑर्गन है जिससे हम मुख्तलिफ चीज़ों को सेंस कर सकते हैं। आई की बात करें तो आई के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो आई खुद है, कॉर्निया है उसके अंदर, आयरिस है, प्यूपिल है, लेंस है, रिटिना है एंड ऑप्टिक नर्व है। ट्रांसपेरेंट पार्ट इन फ्रंट ऑफ आई इज कॉल्ड कॉर्निया, ये बिल्कुल शफाफ हिस्सा जो होता है ये कॉर्निया कहलाता है, बिल्कुल सफेद हिस्सा जो है। और बीनीथ द कॉर्निया कलर्ड पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड आयरिस, हमारी आंख के अंदर जो कलर्ड पार्ट होता है उसे हम आयरिस कहते हैं। ए होल इन द मिडल ऑफ द आयरिस इज कॉल्ड प्यूपिल, आयरिस के अंदर बारीक सा जो होल होता है उसे पीपल कहा जाता है। द पीपल कॉन्ट्रैक्ट्स इन ब्राइट डे लाइट, ये पीपल की प्रॉपर्टी है कि डे लाइट में ये सुकड़ जाता है एंड डिम लाइट में ये एक्सपैंड होता है। बिहाइंड द पीपल लेंस इज प्रेजेंट, पीपल के पीछे लेंस लगा होता है, यानी जो बारीक होल है उसके पीछे लेंस होता है। इट हेल्प्स द आई टू फोकस लाइट, लेंस का काम ये होता है कि जो लाइट हमारी आंख में दाखिल हो रही है तो उसको फोकस करता है। इन आई इमेज इज फॉर्म ऑन द रिटीना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी आंख के अंदर जो इमेज बनता है वो रिटीना के ऊपर बनता है। और आई को हमेशा कहा जाता है कि आई वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैमरा, यानी कैमरे के प्रिंसिपल पे काम करती है। और अगर हम कैमरे को देखें तो कैमरे के अंदर जो इमेज बनती है वो फिल्म के ऊपर बनती है, आंख के अंदर जो इमेज बनती है वो रेटिना के ऊपर बनती है और कैमरे में जो इमेज बनती है वो फिल्म के ऊपर बनती है। ईयर हमारा नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है। अच्छा, ईयर का हम समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यही काम है कि ईयर को सुनने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ईयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो बैलेंसिंग द बॉडी है, हमारे जिसम का जो तवाजन कायम रखा जाता है वो उसमें ईयर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। देयर आर थ्री पार्ट्स, एक आउटर पार्ट होता है जो कि सभी को नजर आता है, मिडल ईयर होता है और इनर ईयर होता है। जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है जो हमें नजर आ रहा होता है उसे हम पिन्ना कहते हैं। इन द मिडल ईयर ईयर ड्रम वाइब्रेट्स व्हेन साउंड वेव स्ट्राइक, दरमियाने कान के अंदर ईयर ड्रम मौजूद होता है और जब उससे साउंड स्ट्राइक करती है तो वो वाइब्रेट करता है। मिडल ईयर फिल्ड अप विद एयर, इसमें एयर भरी होती है और इसके अंदर तीन बोन्स होती हैं मिडल ईयर के अंदर, एक का नाम हैमर है, एक का नाम है स्टेरअप और तीसरी का नाम यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, ये मैं करेक्ट करके भेज दूंगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट है कोकिलिया, कोकिलिया जो है वो इनर ईयर के अंदर प्रेजेंट होता है और इसके अंदर वाटर फिल्ड होता है। मिडल ईयर में एयर फिल्ड होती है और ये जो थर्ड पार्ट है इनर ईयर जो है इसके अंदर वाटर फिल्ड होता है। और इट इज एक्चुअल हियरिंग ऑर्गन, ये असल में हियरिंग ऑर्गन है, यानी जो आवाज़ सुन, ऑडिटरी नर्व। कोकिलिया कन्वेज सिग्नल ऑफ साउंड टू ब्रेन थ्रू इट, कोकिलिया जो है ये क्या करता है, सिग्नल जो साउंड के सिग्नल होते हैं उनको दिमाग तक भेजता है, यानी जो ईयर ड्रम से साउंड स्ट्राइक हुई है उसके सिग्नल को आगे ट्रांसफर करेगा ब्रेन तक। और ये किसके थ्रू होता है, ऑडिटरी नर्व के थ्रू होता है, ये जो सिग्नल ट्रांसफर होते हैं कोकिलिया से ब्रेन तक ये ऑडिटरी नर्व के थ्रू जाते हैं। अच्छा, हमारे जिस्म के अंदर दो ऐसे पार्ट हैं, एक लीस्ट सेंसिटिव है और एक मोस्ट सेंसिटिव है। लीस्ट सेंसिटिव जो है वो हमारी एडी है, हील, और जो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है हमारी बॉडी का वो है स्किन ऑफ द टिप ऑफ द फिंगर्स, फिंगर्स की जो टिप्स हैं ये मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी है। आवर नोज कैन डिटेक्ट 10,000 डिफरेंट सेंट्स एंड स्मेल्स, हमारी जो नोज है वो 10,000 किस्म के सेंट्स और स्मेल्स जो है वो सेंस कर सकती है। अच्छा, ये साउंड का इशू मुनीबा खालिद के साथ ही है या बाकियों को भी है? अच्छा, आप अपना जो नेट है उसे एक दफ़ा डिस्कनेक्ट करके दोबारा मीटिंग ज्वाइन करें या फिर अपने आप को किसी ऐसी जगह पे ले जाएं जहां पे इंटरनेट स्ट्रांग है। स्मेल क्या चीज़ होती है, जी स्मेल्स आर टाइनी पार्टिकल्स दैट ब्रेक ऑफ द सरफेस ऑफ द थिंग्स एंड फ्लोट इन द एयर, यानी ये टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो कि डिफरेंट सर्फेसिस से टूट जाते हैं और फिर एयर के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं और फिर वो हमारी जब नोज से स्ट्राइक करते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो एक स्मेल सेंस करता है। टेस्ट बड्स जो है ये हमारी जुबान के ऊपर मौजूद होते हैं जिससे हम जायका फील करते हैं, यानी किसी चीज़ का भी हमें जो जायका आता है वो हमारी जुबान के ऊपर जो टेस्ट बड्स होते हैं उनकी वजह से होता है। हमारी जो जुबान की टिप है इसके ऊपर जो टेस्ट बड्स होते हैं वो हमें मीठी चीज़ों को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं और हमारी जुबान की साइड पर जो टेस्ट बड्स होते हैं वो साल्टी और श्योर टेस्ट को यानी तुर्श चीज़ों को सेंस करने में हेल्प करते हैं। और हमारी जुबान के जो एंड पे टेस्ट बड्स होते हैं वो बिटर चीज़ों को यानी कि कड़वी चीज़ों को सेंस करने में हेल्प करते हैं। देखें, हमारे आप कह रही हैं कि जो मोस्ट सेंसिटिव है वो हमारी नोज टिप होती है, तो ऐसा नहीं है। जिन साइंटिस्ट ने ये बात लिखी है उन्होंने बहुत रिसर्च करके लिखी है,
और ये सिर्फ सर्दियों को ही नहीं देखना होता, ओवरऑल देखना होता है। फोटोसिंथेसिस क्या है? ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें जो प्लांट्स हैं वो मुख्तलिफ चीज़ों को यूज़ करके अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। और वो कौन सी चीज़ें जो वो यूज़ करते हैं? वो वाटर यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, सनलाइट यूज़ करते हैं, और इस तरह अपनी खुराक तैयार करते हैं। फोटो का जो मतलब है, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन टू मेक। ये आपको इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए कि फोटो का मतलब होता है रोशनी और सिंथेसिस का मतलब होता है तैयार करना, यानी रोशनी की मदद से तैयार करना। इसमें फूड तैयार होता है, और फूड को अगर आप बायोलॉजी की लैंग्वेज में देखें तो आप कह सकते हैं कि ग्लूकोज तैयार करते हैं, यानी पौधे जो है वो ग्लूकोज तैयार करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और यूज क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल अभी पहले डिस्कस हो चुका था, ये एक कलरफुल पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि मौजूद होता है प्लांट्स में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में। ऑक्सीजन इज आल्सो प्रोड्यूस विद ग्लूकोज, यानी सिर्फ खुराक ही तैयार नहीं होती, फूड तैयार नहीं होता, ग्लूकोज तैयार नहीं होता, बल्कि उसके साथ एक बाई प्रोडक्ट जो कि ऑक्सीजन है वो तैयार होती है, जो कि एनिमल्स के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें हम इंसान भी आते हैं। इट टेक्स प्लेस इन रीजन कॉल्ड मेसोफिल। ये कहाँ पे सारा काम हो रहा होता है? ये एक रीजन है मेसोफिल, जो कि पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं, मेसोफिल में तैयार होता है। और अगर थोड़ा ब्रॉड टर्म में देखें तो क्लोरोप्लास्ट। रेस्पायरेशन इसका उल्ट है, फोटोसिंथेसिस का उल्ट है रेस्पायरेशन, यानी फोटोसिंथेसिस में मुख्तलिफ चीज़ों को यूज करके ग्लूकोज तैयार किया गया है, लेकिन रेस्पायरेशन में ग्लूकोज को ब्रेक किया जाएगा। एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस, यानी रेस्पायरेशन जो है ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है। इन दिस प्रोसेस प्लांट्स यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। यानी बिल्कुल इसका उलट कर लें, फोटोसिंथेसिस में यही तीन चीजें यूज हुई थी, एक वाटर यूज हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुई थी, और सनलाइट यानी कि एनर्जी यूज हुई थी। ये तीन चीजों यूज हुई थी और हमें दो चीजें मिली थी, एक ग्लूकोज और एक ऑक्सीजन। अब इसको उल्ट करें, लेफ्ट साइड को राइट पे ले आए और राइट वाली साइड को लेफ्ट पे ले आए, यानी अब ग्लूकोज जो बना था वो ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन की मौजूदगी में। किन चीजों में ब्रेक हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में, एनर्जी में और वाटर में। इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये भी पता होना चाहिए कि रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ये पावर हाउस होते हैं, एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। फोटोसिंथेसिस एंड द रेस्पायरेशन आर रिवर्स टू ईच अदर, एक दूसरे के उल्टे हैं ये दोनों। स्टोमेटा, स्टोमेटा जो है ये बारीक स्मॉल होल्स होते हैं जो कि लीव्स के अंदर होते हैं, जिनसे जिस तरह हम सांस लेते हैं अपने नोज के थ्रू, इसी तरह जो पत्ते हैं पौधे हैं वो भी स्टोमेटा के जरिए रेस्पायरेशन का अमल करते हैं, सांस लेने का अमल करते हैं। ये स्टोमेटा स्मॉल होल्स होते हैं लीव्स के अंदर। ओनली प्लांट्स कैन डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एनिमल कैन नॉट डू सो। ये याद रखिएगा कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ पौधे कर सकते हैं, एनिमल्स नहीं तैयार कर सकते अपनी खुराक वो, बल्कि पौधों की तैयार शुदा खुराक इस्तेमाल करते हैं। फैक्टर्स दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस पे अफेक्ट होने वाले जो अनासर हैं उनमें से एक लाइट है। दैट लाइट अगर कम हो जाएगी तो फोटोसिंथेसिस का अमल स्टॉप हो जाएगा या कम हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम होती है तो भी फोटोसिंथेसिस का अमल प्रॉपर नहीं हो पाएगा। टेम्परेचर अगर कम हो जाता है, सूरज की रोशनी यानी कि कम है, तो नहीं हो पाएगा प्रॉपर। क्लोरोफिल अगर पौधे के अंदर मौजूद नहीं है तो भी ये नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसके बाद क्लोरोफिल के बारे में लिखा है कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब ओनली ब्लू ऑरेंज एंड रेड लाइट। वैसे तो आपको पता है रेड जो व्हाइट लाइट होती है उसके अंदर सेवन कलर होते हैं, लेकिन क्लोरोफिल सेवन के सेवन कलर को एब्जॉर्ब नहीं करता, बल्कि सिर्फ ये तीन कलर हैं जिनको एब्जॉर्ब करते हैं और खुराक तैयार करने का अमल करता है। नेक्स्ट जो चीज है एनवायरमेंट के बारे में, एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरमेंट। किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कुछ भी है वो सारा उसका एनवायरमेंट कहलाता है। एनवायरमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट और एक है ए बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सारे शामिल हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सारे बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट है। जबकि ए बायोटिक कंपोनेंट में तमाम नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं वो सारी सारी ए बायोटिक में आ जाती है, जिस तरह एयर है, वाटर है, लाइट है, टेम्परेचर है, जमीन है, ये सारे के सारे ए बायोटिक कंपोनेंट है। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, कंज्यूमर क्या होते हैं, डिकम्पोजर क्या होते हैं, अभी हम ऊपर पौधों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो पौधे जो है ये सारे के सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो खुराक तैयार करते हैं एनिमल्स के लिए, और कंज्यूमर नाम से जाहिर है वो कंज्यूम करते हैं, यानी प्रोड्यूसर की पैदा करता खुराक को कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, खुद से खुराक तैयार नहीं करते। और डिकम्पोजर जो है ये फंजाई और बैक्टीरिया वगैरह हैं जो कि खुराक की तोड़ फोड़ करते हैं। जिस तरह आप देखते हैं कोई डेड बॉडी पड़ी होती है किसी भी जानवर की, तो कुछ दिनों बाद वो गल सड़ जाती है, तो कैसे गल सड़ जाती है? उसके अंदर डिकम्पोजर आ जाते हैं, बैक्टीरिया और दूसरे जर्म सेल्स होते हैं जो कि उसको डिकम्पोज कर देते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं, और इस तरह वो चीज़ जो है वो हवा में शामिल हो जाती है।
अच्छा, कंज्यूमर की बात करें यानी कि पौधों की खुराक इस्तेमाल करने वाले जो कि जानवर होते हैं, इंसान भी इसमें शामिल है, इनकी तीन टाइप्स हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स वो वाले एनिमल्स हैं या वो कंज्यूमर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पौधों को खाते हैं, और कार्निवोर्स ये वो वाले कंज्यूमर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ जानवरों को खाते हैं यानी गोश्त खाते हैं। हर्बीवोर्स में आपको पता है भैंस आ जाती है, गाय आ जाती है, बकरियां आ जाती है, सारे सारे पौधे खाने वाली चीजें हैं, तो ये हर्बीवोर्स है। कार्निवोर डॉग है, कुत्ता, लाइन है, शेर, ये सारे के सारे जो है ये गोश्त खाने वाले हैं, तो ये कार्निवोर्स। ओमनीवोर वो कंज्यूमर्स हैं जो दोनों चीजें खाते हैं, हर्बीवोर्स भी, सॉरी इसमें दोनों आ जाएंगे, हर्बीवोर भी और कार्निवोर भी, यानी गोश्त खाने वाले भी और जो पौधे खाते हैं। अब इंसान की अगर हम बात करें तो इंसान ओमनीवोर है, ये सब्जियां भी खा लेता है, फल भी खा लेता है और गोश्त भी खा लेता है। इसी तरह और भी कई चीजें हैं जो इस कैटेगरी में आती हैं जो दोनों किस्म की चीजें खा लेते हैं। गीदड़ है, ये भी दोनों चीजें खा लेता है। डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर के बारे में बता चुका हूँ आपको पहले कि ये डेड बॉडीज को डिकम्पोज करते हैं, और बैक्टीरिया और फंजाई जो है ये डिकम्पोजर की कैटेगरी में आते हैं। रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, एक प्रीडेटर होता है और एक प्रे होता है। प्रीडेटर होता है जो शिकार करने वाला होता है, यानी अगर कुत्ता जो है वो शिकार करता है किसी मुर्गी का, तो कुत्ता जो है वो प्रीडेटर कहलाएगा और मुर्गी जो है वो शिकार चूंकि हो रही है तो वो प्रे कहलाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर आप एग्जाम्पल ले लें फ्रॉग एंड स्नेक की, तो इसमें फ्रॉग जो है ये प्रे होगा और स्नेक चूंकि उसका शिकार कर रहा है तो वो प्रीडेटर कहलाएगा। पैरासाइटिज्म, ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, उनमें से एक जो है वो नुकसान पहुंचाता है और दूसरा उसकी हेल्प कर रहा होता है, जैसा कि मॉस्कीटो, मॉस्कीटो और ह्यूमन बीइंग, ये दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो पैरासाइटिज्म का है। मॉस्कीटो इंसान से, ह्यूमन बीइंग से हेल्प ले रहा होता है लेकिन बदले में उसे नुकसान पहुंचा रहा होता है, तो ये है पैरासाइटिज्म, यानी एक फायदा ले रहा है और दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, यानी एक दूसरे, दोनों एक दूसरे को फायदा दे रहे होते हैं। इसके बाद केमिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट हो गया है। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, वैसे ये बच्चों को बताने की आता है, आप सबको पता है कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, लेकिन चूंकि सिक्स क्लास है तो यहाँ पे बच्चों को यही बताया जाता है कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल। आप तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में भी नहीं कहा जा सकता कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसके अंदर भी आप क्वार्क्स आ गए हैं और क्वार्क्स के अंदर भी आप स्ट्रिंग्स आ गई हैं। ठीक है, इतनी माइक्रो लेवल भी से तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि माइक्रो भी 10^-6 मीटर की रेंज में होता है, तो ये माइक्रो लेवल भी नहीं है, ये तो आप फेमटो लेवल या इससे भी नीचे के चला गया है। तुम्हारा बच्चों की याद तक आपको यही बताना है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मालिक्यूल, जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो मालिक्यूल बनते हैं। मालिक्यूल्स की टाइप्स कितनी है, बेसिकली दो टाइप्स है, होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक। अगर एक ही किस्म के एटम्स कंबाइन हो तो वो होमो एटॉमिक, जैसे कि H2O2, ये एक ही किस्म के एटम है दोनों, तो ये होमो एटॉमिक है। हेट्रो एटॉमिक, अगर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन हो तो वो हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल बनेगा, जैसे HCl, आप ये दोनों अलग अलग है, NaCl, ये दोनों अलग अलग है, तो ये हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल है। मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, पोलो एटॉमिक मालिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स की बात हम करते हैं। मोनो एटॉमिक मालिक्यूल ऐसे मालिक्यूल होते हैं जिनमें सिर्फ एक एटम होता है, डाई एटॉमिक में दो एटम होते हैं, ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल में तीन एटम होते हैं, जिस तरह H2O, दो H के हैं और एक ऑक्सीजन का है, तो ये ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल। पोलो एटॉमिक फिर तीन से आगे चला जाता है, यानी 4, 5, 6, 7, मोर देन 3, वो सारे पॉली एटॉमिक में आ जाएंगे, जैसे H2SO4 है। अच्छा, म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल है जी, ये दीमक है, दीमक जो लकड़ी का, अक्सर आप देखते हैं कि लकड़ी को दीमक लग गई है। अब होता क्या है, दीमक लकड़ी को खा लेती है लेकिन हजम नहीं कर पाती। ठीक है, इसके मैदे के अंदर एक और ऑर्गेनिज्म मौजूद होता है, जिस तरह हमारे यहाँ हम देखते हैं कि बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, वो बच्चे की खुराक को कीड़े खा लेते हैं, सिमिलरली उस दीमक के आंत के अंदर भी एक ऑर्गेनिज्म मौजूद होता है जो उसकी खाई हुई लकड़ी को हजम करने में मदद देता है। तो ये म्यूचुअलिज्म है कि दीमक ने पहले लकड़ी खाई और उसके आंत के अंदर एक ऑर्गेनिज्म मौजूद है जो उसकी खाई हुई लकड़ी को हजम करने में रोल प्ले कर रहा है, और बदले में खुद भी वो खुराक उसी से ले रहा है, तो ये म्यूचुअलिज्म है, यानी दोनों एक दूसरे को फायदा दे रहे हैं। अच्छा, इसके बाद वर्ल्ड
एटम मीन इंडिविजिबल, ये आपने याद रखना है कि एटम का मतलब है इंडिविजिबल, और फंडामेंटल पार्टिकल जो एटम के हैं वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। एलिमेंट द मैटर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड एन एलिमेंट, यानी एक ही किस्म के एटम पे मुश्तमिल जो हमारे पास मैटर होता है उसे हम एलिमेंट कहते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, ये सारे इसे हम एलिमेंट कहते हैं। देयर आर 109 एलिमेंट्स नोन टू साइंटिस्ट, अभी तक जिन एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया है या बनाए जा चुके हैं वो 109 है, लेकिन याद रखें जो नेचर में पाए जाते हैं एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ 92 है, 92 एलिमेंट्स नेचर में पाए जाते हैं, बाकी जितने भी ऊपर वाले 17 एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे मैन मेड है, यानी वो यूरेनियम को उसके उसके ऊपर आर्टिफिशियल बम्बार्डमेंट करके नए जो एलिमेंट है वो बनाए गए हैं, लेकिन नेचर में 92 एलिमेंट पाए जाते हैं और ये सारे के सारे मैक्सिमम डिस्कवर हो चुके हैं, अब कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो रह गया डिस्कवर होने वाला। सिंबल क्या होता है किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का, एक शॉर्ट वे होता है। इसके बाद एलिमेंट्स जो है उनकी अगर आप क्लासिफिकेशन करें तो दो क्लासिफिकेशन बनती है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो 70% एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मेटल्स हैं और बाकी जो 30% है वो नॉन मेटल्स में आते हैं। मेटल्स में आपके इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो शाइनी होती हैं, ग्रे सॉलिड होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ओनली वन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, दैट इज मरकरी। मरकरी वायद एक मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में है, बाकी सारे के सारे जो है वो सॉलिड स्टेट में है। मरकरी इज फिल्ड इन थर्मामीटर टू मेजर टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर में फिल की जाती है। एग्जांपल ऑफ मेटल्स आर एल्युमिनियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, लेड, मरकरी वगैरह, ये सारी की सारी मेटल्स हैं। नॉन मेटल की बात करें तो ये सॉलिड्स भी होती हैं, लिक्विड्स भी हो सकती हैं और गैसेज भी हो सकती हैं नॉन मेटल्स। मोस्ट ऑफ नॉन मेटल डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, दे आर नॉन कंडक्टर। नॉन मेटल जो है इनकी ये प्रॉपर्टी है कि ये हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती, लेकिन एक नॉन मेटल ऐसी है जो कि हीट को कंडक्ट करती है, वो है ग्रेफाइट। ये थोड़ा याद रखिएगा कि है नॉन मेटल लेकिन इसके अंदर थोड़ी यूनिक प्रॉपर्टी है कि ये बाकियों से हट के इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करती है। अलॉयज क्या होती हैं, जब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को कंबाइन किया जाता है तो अलॉय बनते हैं, जैसा कि नीचे मुख्तलिफ अलॉय लिखी हुई हैं। जर्मन सिल्वर ये अलॉय है कॉपर, जिंक और निकल की। ब्रास ये भी एक अलॉय है कॉपर और जिंक से मिलने से बनती है। ब्रॉन्ज ये भी एक अलॉय है कॉपर और टिन के मिलने से बनती है। स्टील भी एक अलॉय है जो कि कार्बन और आयरन के मिलने से बनती है। ये आगे नोट लिखा हुआ है कि ग्रेफाइट ए फॉर्म ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट कार्बन की एक फॉर्म है, इज अ नॉन मेटल, ये नॉन मेटल है बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड इज यूज्ड इन ज्वेलरी, डायमंड जो है ये भी फॉर्म ऑफ कार्बन है। और ये भी याद रखें, वैसे हम पढ़ते हैं कि जो मेटल है वही सख्त होती हैं, लेकिन ये डायमंड एक ऐसी नॉन मेटल है जो मेटल से भी सख्त है, यानी सख्त तरीन अगर कोई नॉन मेटल है तो वो डायमंड है। डायमंड इज नॉन मेटल बट इट इज हार्डेस्ट मेटल, सबसे सख्त तरीन जो मेटल है वो डायमंड है, हालांकि ये मेटल नहीं है। इट इज शाइनी एंड यूज टू कट ग्लास। ग्रेफाइट इज यूज टू मिक्सिंग विद क्ले एंड पेंसिल, पेंसिल में इस्तेमाल होती है। वनस्पति की इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द यूज ऑफ हाइड्रोजन एंड वेजिटेबल ऑयल,